हमें ये फिगर गिवन है यहाँ पे ए बी और पी क्यू पैरल गिवन है हमें ऐसे ही ए सी और पी आर पैरल है इसे हम लिख लेते हैं हमें शो करना है बी सी और क्यू आर पैरल है यानी ये लाइन और ये लाइन पैरल है हमें ये शो करना है ये शो करने के लिए पहले मैं इस ट्रैंगल में जाता हूँ ट्राइंगल ओ पी क्यू में इस ट्राइंगल में मेरा ए बी और पी क्यू पैरल है तो हम यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अगर एक लाइन पैरल है वन साइड ऑफ अ ट्राएंगल के यहाँ पे ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो मेरा जो रेशियो होगा साइड्स का वो सेम होगा यानी यहाँ पे ओ ए बाय ए पी होगा ओ बी बाय पी क्यू के बराबर ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूँ ट्रायंगल ओ पी आर इस ट्रायंगल में मुझे ए सी और पी आर पैरेलल गिवन है तो हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अगर एक लाइन पैरेलल होगी एक और साइड ऑफ अ ट्रायंगल के तो रेशियो सेम होगा यानी यहाँ पे ओ ए बाई ओ पी होगा सॉरी ओ ए बाई ए पी होगा ओ सी बाय सी आर के इक्वल ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन मैं नोटिस करूँ यहाँ पे भी ओ ए बाई ए पी आ रहा है यहाँ पे भी इसका मतलब ओ बी बाई ओ क्यू और ओ सी बाई सी आर ये दोनों मेरे इक्वल होंगे इसे हम लिख लेते हैं यानी अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ ट्राइंगल ओ क्यू आर की तो इस ट्राइंगल में ओ बी और बाय बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर है यानी इस ट्राइंगल में मेरे साइड्स का रेशियो सेम है यानी बी मेरा डिवाइड करती है इन साइड्स को सेम रेशियो में तो बी और क्यू आर पैरल होगी मेरी ये वाली प्रॉपर्टी से अगर एक लाइन डिवाइड करती है टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल को सेम रेशियो में यहाँ पे बी डिवाइड कर रही है ओ और ओ को सेम रेशियो में तो लाइन इस पैरल टू द थर्ड साइड तो बी सी के पैरल होगी हमें यही प्रूव करना था एनस प्रूफ